कहना चाहता हूं कि भाइयों जाग जाओ। ये 3.5% लोग, इनकी औकात क्या है? ये 3.5% लोग, ये सिर्फ बिल्लियों की लड़ाई में ये 3.5% बंदर लोग ये फायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज जाग जाओ, कृपया जाग जाओ। जिस दिन आप लोग एक हो गए 85% लोग, और हमारा मुस्लिम समुदाय, हमारा क्रिश्चियन समुदाय हमारे साथ है, हमारा बुद्धिस्ट समुदाय हमारे साथ है, सिख समुदाय, और जिस दिन ये 6,743 जातियां जो इन विप्रवादी 3.5% लोगों ने बना करके रखी हुई है, जिस दिन हम सब लोग एक हो गए, कि जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया है वो लोग इस भारत की अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 3.5% लोग हैं। मैं अपने भारत के 85% मूल निवासियों को, मैं अपने सभी मूल निवासियों को, वाल्मीकि, रविदासिया, जितना भी जुलाहा, धानक, सीम्बा, सांसी, मजबी, जितने भी मेरे मूल निवासी हैं 6,743 जातियां, मैं उन सभी दलितों को कहना चाहता हूं कि भाइयों जाग जाओ। ये 3.5% लोग, इनकी औकात क्या है? ये 3.5% लोग, ये सिर्फ बिल्लियों की लड़ाई में ये 3.5% बंदर लोग ये फायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज जाग जाओ, कृपया जाग जाओ। जिस दिन आप लोग एक हो गए 85% लोग, और हमारा मुस्लिम समुदाय, हमारा क्रिश्चियन समुदाय हमारे साथ है, हमारा बुद्धिस्ट समुदाय हमारे साथ है, सिख समुदाय, और जिस दिन ये 6,743 जातियां जो इन विप्रवादी 3.5% लोगों ने बना करके रखी हुई है, जिस दिन हम सब लोग एक हो गए, इन लोगों को तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग भारतीय नहीं है। पिछले 4,000 सालों से हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने गुलामियां सही है, और हम लोग इनको सिर्फ अमन शांति को कायम रखने के लिए हम इनको अपने देश में बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये लोग यहां पर रहने के लायक नहीं है। भारत के संविधान को जलाने वालों, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग गद्दार हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली के अंदर छेद करते हो। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों की हैसियत है। मैं अपने 85% मूल निवासी, 6,743 जातियां जो इन 3.5% लोगों ने बना के रखी है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भाइयों, कि अभी तो ये छोटी छोटी वीडियोस बना करके शरेआम बाबा साहब मुर्दाबाद बोल रहे हैं और हमारे संविधान को जला रहे हैं, कल को ये अगर आप लोग नहीं जागे तो ये आप लोगों के घर के अंदर घुसेंगे। ये 3.5% विप्रवादी लोग इतने शैतान हैं, ये इन लोगों के अंदर एकता है, और सिर्फ 3.5% लोग आप 85% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं और आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। 6,743 जातियां बना दी इन 3.5% लोगों ने, ये विप्रवादी लोग हैं, ये अमन शांति नहीं चाहते भारत के अंदर। कभी ये भगवा झंडा लेकर के, कभी ये मुसलमानों को मारते हैं, कभी दलितों को मारते हैं। इन लोगों ने बाज नहीं आना, इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। तो मैं 85% अपने समुदायों से ये बोल कहना चाहता हूं, एका करो, इन लोगों को निकाल करके हम बाहर फेंक दें। ये भारत की सत्ता के ऊपर ये 3.5% लोग काबिज है, क्योंकि इनके अंदर एकता है, और 85% लोगों के अंदर एकता नहीं है। मैं 85% लोगों को यह कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, अगर एक नहीं हुए तो लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारे इस दुनिया पर आने के ऊपर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने चारों बच्चे, उनके बिना इलाज के उन्होंने उनके बच्चे जो इस दुनिया से चले गए। साहब कमाल कलगियां वाले दसम पिता गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने अपने चारों बच्चे शहीद करवा दिए, और उनकी माता जी की मुखबरी करने वाला कौन था? वह गंगू जो था वो 3.5% ही नहीं, विप्रवादी लोगों में से था। तो इनके सभी लोग बुरे नहीं है, लेकिन 3.5% लोग ये कहीं ना कहीं, इनकी सोच जो है ये बहुत घटिया है, इनकी सोच बहुत गंदी है। जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद कर देते हैं। ऋषि शंभूक को किसने मारा था? ऋषि शंभूक जी का कसूर क्या था? एक दलित होकर के वो परमात्मा की सद्भक्ति कर रहा था, उसको मार दिया गया। इन 3.5% लोगों की वजह से जिन्होंने भी मारा वो, उन्होंने सेनप नहीं की। जो लंकापति लंकेश रावण है वो भारतीय, वो मूल निवासी है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वो मूल निवासी है, वो अनारियन है। रावण अनारियन है, शंभूक ऋषि अनारियन है, एकलव्य अनारियन है, हिरण्यकश्यप अनारियन है,
राइट, होलिका अनार्यन है, हम सभी 85% लोग अनार्यन है, हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के वो लोग हैं, हमारे कबीले होते थे, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हजारों सालों से इन 3.5% लोगों ने बाहर से आकर के, ये यूरेशियन है, इन्होंने हमारे भारत देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इस भारत देश को आपके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। आपके बच्चों को प्रेयर के दौरान एक प्रेयर बुलवाई जाती है कि सारे जहां से अच्छा जो भी ये सत्ता बोलते हैं हमारा, ये देश भारत देश है, सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशता हमारा, सारे जहां से अच्छा ये भारत देश हमारा, ये भारत देश है हमारा, राइट। और भारत देश की जो पहचान है वो हमारा संविधान है, और संविधान को जलाने वाला व्यक्ति सिर्फ संविधान को नहीं जला रहा, वो इस देश का गद्दार है, वो देशद्रोही है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति का इस देश में, उस व्यक्ति को रहने का कोई हक नहीं है। ये देश भारत है, भारत, भारत देश। मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा मजहबी सिख, मैं भारतीय हूं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच दे, हम 85% भारतीय पैरा देंगे ठोक के। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी तेरी सोच पे, हम मूल निवासी 6,743 जातियों वाले मूल निवासी पैरा देंगे ठोक के। मेरे मूल निवासी भाइयों जाग जाओ, ये 3.5% लोग कभी भी अपने भारत देश के हित में नहीं सोचेंगे। इन 3.5% लोगों ने यहां से, क्योंकि ये बाहर के भगोड़े हैं, ये यूरेशियन है, ये अनार्यन नहीं है, हम 6,743 जातियों वाले 85% मूल निवासी हम अनार्यन है। और जो अनार्यन नहीं है वो इस देश का नहीं है, वो यूरेशियन है। इन लोगों ने कल को भी भागना है, और आपको सबूत मिल चुका है, जैसे विजय माल्या भाग गया, जैसे ये नीरव मोदी भाग गया, और जैसे ये जितने भी भगोड़े, ये अनार, ये जो जितने भी भगोड़े जो अनार्यन नहीं है, ये भागते जा रहे हैं और धीरे धीरे भागेंगे आपको कंगाल बना के, इस देश को बेच करके। तो जागो मेरे भारतवासियों, जागो, मेरा भारत देश महान। 100 में से 3.5% विप्रवादी लोग बेईमान, मेरा भारत देश महान।